आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और वार किया। बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। 9 साल में कांग्रेस का संगठन नहीं बना, आपने ही संगठन नहीं बनने दिया। सत्ता के बजाय लोगों की समस्याओं के बारे में सोचा। अशोक तंवर भी कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं। अब अशोक तंवर की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा था कि आम आदमी पार्टी लोकसभा में किस आधार पर सीटों की बात कर रही है। हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी स्वयं में सक्षम है, आप रिजल्ट देखो, पिछले 19 के रिजल्ट देखो, बीजेपी के 10 के 10 MP हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे तो सब जगह कांग्रेस ही रही है। जिसका जो होगा यहाँ आम आदमी पार्टी का, जो अभी आदमपुर में लड़ी थी, आदमपुर आम आदमी जमानत में नहीं बची। रस्सी जल गई बल नहीं गए, ये बात आज भी मैं समझता हूँ कि हरियाणा में कुछ कांग्रेस नेताओं के ऊपर लागू होती है, जो बार बार इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के जनाधार पे, उसका आधार क्या हो हरियाणा में गठबंधन में लोकसभा की सीटें मांगने में, इसके ऊपर सवाल या निशान उठाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक 9 साल में आपका तो संगठन बना नहीं, आप ही लोगों ने बार बार उस संगठन को बनने नहीं दिया, आप ही लोगों की जमानतें जब्त जो है वो इलाहाबाद के अंदर हुई, 10 की 10 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी हारी लोकसभा में, 9 सीटें उससे पिछली बार 14 के अंदर हारी, दिल्ली के अंदर अगर आप उठा करके देखें तो बहुत जमानतें जब्त हुई, पंजाब के अंदर जमानतें जब्त हुई, फिर आप किस आधार पर वहाँ टिकटों का क्लेम करते हो। तो इसलिए मैं तो उन लोगों से जो आज बार बार इस गठबंधन में कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे यही आगाह उनको करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि इन बातों में कुछ नहीं रखा।